क्रिकेटर मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे मैचेस के लिए कैप्टन है, बल्लेबाज हैं, दो दशक से क्रिकेट खेल रही हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं, भारत की सबसे शानदार महिला क्रिकेटर कहलाती हैं। अब हाल ही में मिताली ने पाकिस्तान की एक पूर्व महिला क्रिकेटर की तारीफ की। मिताली ने क्रिकेटर को स्पोर्ट्स का चमकता सितारा बताया है और उस पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम है सना मीर। दरअसल सना जो अब रिटायर हो चुकी हैं, खुद एक शानदार गेंदबाज रही हैं। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जैनब अब्बास को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने मिताली के बारे में भी बात की और फिर एक ट्वीट भी किया। सना ने बताया कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं थी, तब उन्होंने मिताली के खेल के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसी वक्त उन्होंने ये सोचा था कि वो मिताली को अपने यॉर्कर से आउट करेंगी। और जब पहली बार उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच खेला, तब अपना सपना पूरा भी कर लिया। सना जो स्पिन बॉलर थी, उन्होंने करियर की शुरुआत तेज गेंदबाज के तौर पर की थी। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, तेज गेंदबाज और पूर्व कप्तान वक्कार यूनुस उनके आदर्श थे। उन्हीं का खेल देख देख कर सना ने गेंदबाजी सीखी थी। अब इस बात का जिक्र करते हुए सना ने इंटरव्यू में कहा कि तेज गेंदबाजी के लिए मेरे आदर्श वक्कार यूनुस थे। उनके रनअप्स और इन स्विंगिंग यॉर्कर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वो जिस तरह से बल्लेबाजों को बोल्ड करते थे, मेरा भी सपना था कि मैं उसी तरह बल्लेबाजों को बोल्ड करूँ। मुझे याद है कि मेरी सीनियर प्लेयर्स मुझे मिताली राज के बारे में बताते थे, जो उस पॉइंट पर दुनिया की नंबर वन बल्लेबाज थी। तब मैं सोचती थी कि बस मुझे पहला विकेट उन्हीं का लेना है, उन्हें यॉर्कर पर बोल्ड करना है। मैं प्रार्थना करती थी, विजुअल्स भी मेरे दिमाग में आते थे। मेरा डेब्यू मैच श्रीलंका के खिलाफ था, जहाँ मैंने 4 ओवर्स के लिए गेंदबाजी की, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। फिर मेरा अगला मैच भारत के खिलाफ था, तब मैंने यॉर्कर पर मिताली राज को आउट किया। इसलिए उस सेंस में ये कह सकते हैं कि मेरा सपना पूरा हुआ। इस वीडियो को जैनब अब्बास ने ट्वीट किया, जिसे सना ने भी शेयर किया और मिताली के लिए बहुत प्यारा मैसेज लिखा। कहा कि मिताली राज अभी भी सबसे कठिन और बेशकीमती विकेट हैं। वकार यूनुस भाई अभी भी इंस्पिरेशन है। सना के इस ट्वीट पर मिताली ने जवाब दिया, ऐसा जवाब जो एक सच्चे खिलाड़ी की सोच सामने रखता है। उन्होंने लिखा, सना तुम एक चमकता सितारा हो, एक बहुत कॉम्पिटिटिव ओपोनेंट हो और इस खेल के लिए एक शानदार एम्बेसडर हो। ऐसे दो देश जिनके रिश्ते बरसों से तनातनी वाले हैं, जिनके बीच होने वाले क्रिकेट मैच टीवी तक फुड़वा देते हैं, ऐसे देशों की दो क्रिकेटर्स, एक मौजूदा कप्तान और एक पूर्व कप्तान, जो एक दूसरे के खिलाफ कई मैचेस खेल चुकी हैं, खेल की ट्रू स्पोर्ट्समैन, माफ कीजिएगा, स्पोर्ट्स वुमेन वाली जो फीलिंग होती है, जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, उस वाली बात को कायदे से लागू करती हैं। ये बातें टीवी फुड़वाने वालों को देखनी चाहिए, कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मिताली जो महिला खिलाड़ी हैं, जिनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से की जाती है, जैसे कई बल्लेबाज ये कह चुके हैं कि सचिन को आउट करना सबसे बड़ी बात है, उसी तरह मिताली के लिए भी ये बात कही जाती है। ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक मिताली सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है। वुमेन्स वनडे क्रिकेट में 6000 से ज्यादा रन बनाने वाली एक लौती क्रिकेटर भी हैं। मिताली वनडे क्रिकेट में लगातार 7 हाफ सेंचुरी मारने वाली पहली प्लेयर भी हैं। साल 2018 के वुमेन्स एशिया कप T20 के दौरान मिताली ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस दौरान वो भारत के लिए 2000 T20 रन बनाने वाली पहली प्लेयर बन गई थी। वो 2000 से ज्यादा T20 रन बनाने वाली पहली वुमेन क्रिकेटर भी हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।